एवरीवन, वेलकम टू महेंद्रा ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने हैं 17 नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेशन थोड़ा देरी से स्टार्ट हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमारे हाथों में भी नहीं होती, उस वजह से कह सकते हैं कि सेशन लेट हुआ। बट गाइज, कोशिश करेंगे कि मंडे से ऑन टाइम स्टार्ट हो, कोशिश करेंगे डेफिनेटली स्टार्ट ही करना है, क्योंकि आपके एक एक मिनट की कीमत हम समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो माफी चाहूंगा मैं आज के लिए, और अब तक के जितने सेशन रहे उसमें अगर लेट हुआ उसके लिए। तो मंडे से कोशिश करेंगे कि हमारा कोशिश नहीं, डेफिनेटली बार बार वर्ड कोशिश आ रहा है कि टाइम पर ही स्टार्ट होगा, ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर। चलिए स्टार्ट करते विद दी वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कल की न्यूज बेसिस क्वेश्चन के साथ। बट उससे पहले कि इंपॉर्टेंट, आज 12 बजे हमारा सेशन रहेगा करंट अफेयर का, या यूं कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा। अब स्पेशली वहां पर आपको मेंशन मिलेगा कि मैराथन क्लास, और उसमें लिखा होगा जनरल अवेयरनेस फॉर IBPS PO। बट स्पेशली जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं वो एमसीक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो चाहे SSC हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको दिखा दीजिए। ओके, 9 AM से लेकर आज दोपहर में 1 बजे तक क्लासेस चलेंगे बैक टू बैक। 9 बजे हमारी स्टार्ट होगी मैथ्स, 9 बजे इंग्लिश की, देन फिर 10 बजे हमारी मैथ्स की क्लास चलेगी, फिर 11 बजे से रीजनिंग, फिर 12 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होगी, फिर 1 बजे से गाइस कंप्यूटर की क्लास चलेगी। ये हमारा इस तरीके का सेशन रहेगा। तो प्लीज आज 12 बजे के सेशन में जुड़ना ना भूले, और चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल हमारा IBPS PO मेंस का रिव्यू लगा हुआ है, डायरेक्ट ग्राउंड से कह सकते हैं स्टूडियो से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सवाल क्या है। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच सिटी 9th एनुअल डिफेंस एंड सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज हेल्ड। किस शहर में भारत और चीन के बीच 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा संवाद का आयोजन हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, संघाई, बीजिंग या अहमदाबाद। एग्जैक्टली वेन्यू की बात करें तो यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बीजिंग वॉज द वेन्यू ऑफ द 9th एनुअल डिफेंस एंड सिक्योरिटी डायलॉग। चलिए गाइज, यहाँ पर अगर बात करें दोबारा से, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी बार बार मिस जा रही है, हो रही है, बस कोई नहीं, अब फिर दोबारा से सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि अपने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे थे, उसी का आंसर देख लेते हैं। आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बनता है वो 4 है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कौन बने? देखिए भाई, समझिएगा जरा, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जरा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंटेंट पर फोकस रहिएगा, 1-2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो जा रहे हैं उसके लिए मैं सच में माफी चाहूंगा, सच में मैं माफी चाहूंगा। बट भाई प्लीज कंटेंट पर फोकस करिए, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट चल रहा है। 24 चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कौन बने? वो आंसर बनता अपना संजय कुमार सेठ। अगला सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन बने हैं? तो भाई थोड़ा जल्दी से तेज चलूंगा क्योंकि 7:22 हो चुके हैं, अगला बैक अपना एडिटोरियल का भी सेशन लगा है। तो गोविंद माथुर की यहां पर बात करेंगे। गोविंद माथुर हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, संजय कुमार सेठ का भी मैंने आपको बताया था, ये बने हैं अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अब बात हो रही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो वो गोविंद माथुर बने हैं। अगला सवाल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसका अपॉइंटमेंट रहा? तो अमरेश्वर पाठक आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। अमरेश्वर पाठक हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ दी पटना हाई कोर्ट। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के, त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो संजय कारोल की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 जो मेंशन है यहां पर, संजय कारोल हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ दी त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो मैंने ऑप्शन सिमिलर रखे हैं जिससे कि आपको हर चीज याद रहे, कि मतलब कि पहला वाले जो अपॉइंटमेंट रहा संजय कुमार सेठ का, गोविंद माथुर का, अमरेश्वर पाठक का, या संजय कारोल का, ये एक चारों एक साथ अपॉइंट हुए और किस किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और लास्ट वाला जो कल्पेश सत्येंद्र झावेरी, उनकी बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं भैया KS झावेरी। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित जैना हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट? चित जैना का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? एथलीट, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, सिंगर या साइंटिस्ट? तो हमें क्लियर होना चाहिए, कल मैंने डिस्कस किया था, ही वाज द ओडिया सिंगर। चित जैना हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द ओडिया सिंगर। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है। इंटेक्स साउथ एशिया वॉज इनॉग्रेटेड इन कोलंबो, इसका कौन सा एडिशन रहा था? इंटेक्स दक्षिण एशिया का कौन सा संस्करण कोलंबो में शुरू हुआ है? आंसर की बात यहां पर करें तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, 4th एडिशन ऑफ इंटेक्स साउथ
फोर्थ एडिशन ऑफ इंटेक साउथ एशिया वॉज इनॉग्रेटेड इन दी कोलंबो. आई होप सो गाइस क्लियर होगा. अगला सवाल, According to UBS, India's GDP growth rate is expected to what percent in a financial year 2018-19? UBS के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? फटाफट से बताइए कि एग्जैक्टली UBS ने क्या कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है डैश परसेंटेज रहेगी, वो एग्जैक्टली कितना परसेंट रहने की बात की गई है. तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू UBS, या सिंपल शब्दों में UBS डैश करके इंडिया GDP ग्रोथ रेट डैश करके 7.3%, बात खत्म. अगला सवाल, यहां पर पूछा गया है कि जो इंडिया यूरोपियन यूनियन काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ है ब्रुसेल के बेल्जियम में, उसका कौन सा एडिशन रहा है? बहुत सिंपल शब्दों में बता दीजिए कि जो भारत यूरोपीय संघ काउंटर टेररिज्म डायलॉग रहा है बेल्जियम के ब्रुसेल में, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसका कौन सा एडिशन रहा है? 10th, 12th, 17th, 11th, or 15th? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 11th इंडिया यूरोपियन यूनियन काउंटर टेररिज्म डायलॉग वॉज हेल्ड एट ब्रुसेल बेल्जियम. अगला सवाल, अभय ठाकुर हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? अभय कुमार ठाकुर को किस देश के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अभय ठाकुर का अपॉइंटमेंट रहा है? तो आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नाइजीरिया, अबूजा नायरा. नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, करेंसी नायरा है. अगर आपको पता हो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है. डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ही भाई नाइजीरिया से हैं. अगर आपको पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्योंकि वो इंडिया में विजिट पे आने वाली हैं. अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि वो इंडिया में विजिट पर आएंगी, तो गाइज उनका नाम इंपॉर्टेंट बनेगा. अगर आपको पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, क्या नाम है उनका. चलिए हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, एंटोनियो गुटरस इज अ सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द पुर्तगाल. और नाइजीरिया की अमीना जी मोहम्मद. ओके, आंसर आ चुका है. अमीना जी मोहम्मद फ्रॉम नाइजीरिया इज अ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, और वो इंडिया में विजिट पर आ रही है, एडिशनल तौर पर याद रखेगा. अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. टेक्निकली प्लीज स्क्रीन को जूम किया जाए. नंबर 24 फॉर अडवानी. अडवानी की बात करें यहां पर, जो यहां पर पंकज अडवानी है, लालकृष्ण अडवानी नहीं है, ये पंकज अडवानी की बात करेंगे. इन्होंने तीसरा लगातार IBSF विलियर्ड क्राउन जीता है या खिताब जीता है. देखिए मेंशन है यहां पर, थर्ड स्ट्रेट IBSF विलियर्ड्स टाइटल इनके द्वारा जीता गया है इन द 150 अप फॉर, मतलब एक फॉर्मेट होता है 150 अप फॉर्मेट, उसमें इनके द्वारा IBSF विलियर्ड का टाइटल जीता गया. अब इसकी बात करें, इनका नंबर 20 टाइटल इसलिए यहां पर मेंशन है कि यहां पर मेंशन है नंबर 20 फॉर अडवानी, मतलब कि यहां पर ये हो गया कि अडवानी का ये नंबर 20 टाइटल रहा है. अब मेरे काम की चीज है इसको सिंपल शब्दों में पढ़ लेते हैं उसके बाद कि भाई पंकज अडवानी इज फ्रॉम विच स्टेट. पंकज अडवानी हैज वॉन दी IBSF विलियर्ड टाइटल इन 150 अप फॉर्मेट. पंकज अडवानी ने 150 अप प्रारूप में IBSF विलियर्ड्स का खिताब जीता है. भाई समझ लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. अब दूसरा सवाल, ही इज फ्रॉम विच स्टेट, पंकज अडवानी फ्रॉम विच स्टेट, इसका प्लीज आंसर दे दीजिए मेरे को. ओके, आ चुका है. यहां पर कृष्णा जी ने आंसर दिया है, ही इज फ्रॉम दी महाराष्ट्र. सिंपल शब्दों में समझिएगा, पंकज अडवानी जो कि भाई बिलियर्ड्स खेलते हैं, IBSF विलियर्ड्स टाइटल उन्होंने जीता है, नंबर 20 टाइटल रहा है, और ये महाराष्ट्र से है. अगली न्यूज, इंडिया ताइवान SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फोरम वॉज हेल्ड एट ताइपी ताइवान. भारत ताइवान SME विकास फोरम ताइपी ताइवान में आयोजित किया गया है. आज लास्ट डेट है, इसलिए मैंने यहां पर ये मेंशन कर दिया कि हेल्ड हुआ, आज तक चलेगा, बट आप याद रखिएगा कि ये हो चुका है. इंडिया ताइवान SME डेवलपमेंट फोरम कहां पर हुआ? ताइपी ताइवान में हुआ. अपार्ट फ्रॉम क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको देखिएगा, सेक्रेटरी है MSME, उनका नाम याद रखना है. उन्होंने यहां पर इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था. सिंपल शब्दों में MSME सेक्रेटरी कौन है, तो याद रखिएगा अरुण कुमार पांडा है. यहां पर याद रखने वाली बात है, एग्जाम में एक नंबर पूछा जा सकता है. और दूसरा सवाल यहां पर बनेगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर कौन है, तो वो है गिरिराज सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नवाड़ा बिहार. आपको ये दिख रहे हैं, नवाड़ा बिहार इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर गिरिराज सिंह. मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इन एंटरप्राइजेस को कैसे कैटेगराइज किया जाता है. पहले जो इनकी कैटेगराइजेशन रहता था या इनकी डेफिनेशन रहती थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो ये माइक्रो है, इतना है तो ये स्मॉल है, इतना है तो ये मीडियम है.
बट अब ये खत्म हो चुका है, इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, अब टर्नओवर रहता है, एनुअल टर्नओवर। एक साल में आपने कितना टोटल टर्नओवर किया, अगर आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हो, जरा ध्यान से समझना। अगर आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ तक है एक साल में तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हो, बट आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और 75 करोड़ तक है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हो, और 75 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और 2250 मतलब कि 250 करोड़ तक एनुअल टर्नओवर है तो आप मीडियम एंटरप्राइज हो। तो एक लाइन में याद रखिए, 5, 75, 250 इतने काम की चीज है, 5, 75, 250, 5 करोड़ तक माइक्रो, 5 से लेकर 75 तक स्मॉल, और 75 से ज्यादा और भाई 250 करोड़ तक का टर्नओवर तो मीडियम एंटरप्राइज कहलाते हैं। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर जॉन हेस्टिंग, जिसको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता था, हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर जॉन हेस्टिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। भाई इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसको। अब देखिए एग्जाम के लिए यहां से क्या बात इंपॉर्टेंट बनती है, सबसे पहले जॉन हेस्टिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जॉन हेस्टिंग किस खेल से संबंधित है, तो भाई सिंपल शब्दों में रट लीजिए, जॉन हेस्टिंग इज रिलेटेड टू क्रिकेट, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो हमें याद रखना है, ही हैज रिप्रेजेंटेड या ही हैड प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है, ये बातें हमें याद रखनी है। भाई प्लीज समझिएगा, दो सिर्फ सवाल बनेंगे, जॉन हेस्टिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो वो बनता अपना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, और किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो अपना यहां पर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। आई होप सो क्लियर होगा। इसके अलावा भाई प्रवीण कुमार इंडिया के रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये भी सभी को पता है, बॉलर है। इसके अलावा हम बात करें आरपी सिंह की बात करेंगे, इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया था रिसेंट में। इसके अलावा मैंने अभी आपको रिसेंटली एक प्लेयर का और नाम बताया था कि लास्ट में ही, इससे पहले का जो सेशन रहा है उसी दौरान मैंने डिस्कस किया था, किसी खिलाड़ी ने क्रिकेट से, क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अगर आप वो बता पाए वो इंडियन कौन है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की यहां पर घोषणा की है। ओके प्रवीण कुमार क्लियर है यहां पर, प्रवीण ओके आंसर आ चुका है यहां पर, मुनफ पटेल, मुनफ पटेल की बात करेंगे, मुनफ पटेल ने अनाउंसमेंट किया, आरपी सिंह कर चुके हैं, प्रवीण कुमार कर चुके हैं ये सारी। इसके अलावा मोहम्मद कैफ है, इन्होंने भी क्रिकेट से भाई कह सकते हैं कि रिटायरमेंट की घोषणा की थी रिसेंट में। तो ये कुछ नामों को आपको याद रखते हुए चलना है। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू दी हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल। अब ये क्या एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट यहां से क्या है, जब कभी भी कोई काउंसिल बनती है या जब कभी भी कोई कमेटी बनती है तो उसको हेड कौन कर रहा है, इस पर्सन का नाम सिर्फ इंपॉर्टेंट बनता है। नीति आयोग ने बनाया है तो नीति आयोग के सारे फैक्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज क्या है वो क्लियर कर लेते हैं। नीति आयोग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन के सतत विकास के लिए इन्होंने काउंसिल बनाई है, क्योंकि जितना भी हिमालयन रीजन है, जो भी हिमालयी क्षेत्र है, वहां का विकास कैसे किया जाए, किन किन बातों को ध्यान रखा जाए, किन किन बातों पर काम किया जाना, इन सारी बातों को लेकर ये काउंसिल बनाई गई है। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो इसको हेड कौन करेंगे, तो वो है वी के सारस्वत, चेयर्ड बाय दी वी के सारस्वत, नीति आयोग के जो मेंबर है। सिर्फ सिंपल शब्दों में कुछ भी नहीं याद रखना, काउंसिल का नाम और काउंसिल के हेड कौन है, सिर्फ काउंसिल का नाम और काउंसिल के हेड कौन है। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल, सिंपल शब्दों में हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल विल बी चेयर्ड बाय दी वीके सारस्वत, मेंबर ऑफ नीति आयोग। आई होप सो क्लियर होगा। अब इसके लिए 5 वर्किंग ग्रुप भी बने। देखिए काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एंड इंप्लीमेंट द आइडेंटिफाइड एक्शन पॉइंट्स बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द 5 वर्किंग ग्रुप। पहले इसके लिए 5 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, और उन 5 वर्किंग ग्रुप के जितने भी कह सकते हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जितनी भी उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर यहां पर काम किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा। और इसके अलावा बात करते हैं तो जिन 5 बातों पर, मतलब ये अलग याद रखिएगा, ये 5 वर्किंग ग्रुप अलग है, इसके अलावा ये 5 बातें और अलग से मेंशन किए कि इन इन बातों पर फोकस करना है। कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहां पर मैंने रख दिया है कि अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज ये भी काम का नहीं। हमारे काम का सिर्फ ये वाला पॉइंट है कि इसको चेयर कौन करेगा, तो वो है वीके सारस्वत, और किसी बात पर फोकस नहीं करना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति आयोग रिलेटेड फैक्ट, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ द 2015। याद होना चाहिए सभी को इसका नाम, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग, गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर, और एट प्रेजेंट अपने पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ही इज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रिसेंट में एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी भी मैं 100% कह सकता हूं कि जितने बच्चे देख रहे होंगे उसमें से अभी भी बहुतों को यह नहीं पता होगा कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी भी नहीं पता होगा। एक्सेप्ट कर लो, कितनों को नहीं पता इस बात को जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, सच्ची सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अभी भी मैक्सिमम को नहीं पता हो, क्योंकि इसे हम पढ़ते रहते हैं बट फिर भी याद नहीं है। इसे रट लीजिए, एग्जाम में अभी रिसेंट में आया था,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ फुल फॉर्म ऑफ द नीति, एंड इसके वाइस चेयरमैन की बात करें राजीव कुमार, राजीव कुमार इज अ वाइस चेयरमैन। अमिताभ कांत का नाम एक नंबर में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली, क्योंकि इनका जो टेनर है वो एक साल एक्सटेंड किया गया है, तो इनका नाम डेफिनेटली पूछा जाएगा। अमिताभ कांत इज अ सीईओ ऑफ द नीति आयोग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, ये एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली। New Delhi is a headquarter of the National Institution for Transforming India. Next and most important, ये एग्जाम का सवाल बनेगा। Union Minister Harsimrat Kaur Badal has inaugurated MS मतलब Messrs Pathan Mega Food Park in Aurangabad District in Maharashtra. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मैसर्स पैथन मेगा फूड पार्क का एक तरीके से उद्घाटन किया। इसके अलावा पहला कहां पर था, और इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड एक और सेंशन किया गया वो कहां पर खुलेगा, आते इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते। बट उससे पहले मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज हरसिमरत कौर बादल, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो है भटिंडा पंजाब, एक अलग से याद रखिएगा। अब आते हैं डिटेल में इसको देख लेते हैं। टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन को जूम कर दीजिए भाई, जरा ध्यान से समझना, चार पॉइंट है, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इंग्लिश में भी मेंशन है और हिंदी में भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ये तो क्लियर हो गया कौन है, हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है दूसरा मेगा फूड पार्क महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का दूसरा मेगा फूड पार्क। अब इसका मतलब पहला वाला कहां पर होगा, ये भी क्यूरियोसिटी होगी। ये देखिए, इट इज प्रमोटेड बाय द मैसर्स पैथन मेगा, ये जो मैसर्स पैथन है उसके द्वारा इसे प्रमोट किया गया, इसलिए इसका नाम ही यहां पर है मैसर्स पैथन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली इसका नाम है, मतलब ये जो प्राइवेट लिमिटेड है इसी के नाम पर मेगा फूड पार्क का नाम रखा गया, क्योंकि इसी के द्वारा से प्रमोट किया गया। और इसके लोकेटेड की बात करें कहां पर है, तो वाहे गांव और ये धन गांव जो कि विलेज है पैथन तालुका के आसपास, जो औरंगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसे इनॉग्रेट किया गया, और ये एक तरीके से लोकेटेड है। मेरे काम की चीज सिर्फ ये वाला डिस्ट्रिक्ट बनेगा औरंगा डिस्ट्रिक्ट। थर्ड मेगा फूड पार्क की बात करें, इसे भी सेंशन किया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, और ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और ये फर्स्ट पार्क की बात करें तो फर्स्ट पार्क जो इनॉग्रेट हुआ था वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, एक वर्धा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा सतारा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये काम की चीज है। महाराष्ट्र तो पूछ ही लेगा, महाराष्ट्र पूछ लेगा, लेकिन एग्जामिनर ये तीन चीजें पूछेगा कि पहला वाला कहां हुआ, तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और दूसरे वाले की बात करें वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और तीसरे वाले की बात करें वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। तो एक लाइन में रट्टा मार लीजिए, सतारा और औरंगाबाद और वर्धा, सतारा औरंगाबाद और वर्धा, सतारा डिस्ट्रिक्ट में पहला था और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में दूसरा है, और वर्धा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वहां पर तीसरा है। 102 एकड़ में बना है, इसकी टोटल कॉस्ट 124.52 करोड़ रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वन लाइनर में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें जैसे कि पीसीएस लेवल की, तो वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां पर क्या हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, दो स्टेटमेंट दे दें, वहां पर दूसरे स्टेटमेंट में 124 की जगह 134 लिख दें, और नीचे पूछ लिया इनमें से ट्रू कौन सा है, तो हमें याद रखना 124.52 करोड़ की लागत से बना है। हिंदी में पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ेगा, इसकी लागत रही 124.52 करोड़ रुपए, 102 एकड़ भूभाग पर इसे बनाया गया है। पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन 1 मार्च 2018 को सतारा जिले में हुआ था, और मंत्रालय महाराष्ट्र में तीसरे मेगा फूड पार्क के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि वर्धा जिले में बनाया जाएगा। औरंगाबाद जिले के पैथन तालुका के अंतर्गत वाहे गांव और धनगांव स्थित इस पार्क को मैसर्स पैथन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की बात करें हरसिमरत कौर बादल की, तो उन्होंने महाराष्ट्र में दूसरा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। भाई सिंपल शब्दों में समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर क्लियर हुआ है, यस सर क्लियर हो चुका है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा। और जितने भी लोग हमें फेसबुक से देख रहे हैं आप शेयर भी कर सकते हैं। सोनम मिश्रा की बात करें, सौरभ वाजपेयी की बात करें, और यहां पर प्रभाकर रेड्डी की बात करें, ग्रिजेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब पे तो हमारे संजय शर्मा जी हैं, राहुल कुमार सिंह। तो भाई मेरी आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए कॉपी करके, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट और हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। 3 से 4 यहां पर न्यूज में, 3 न्यूज है एडीबी रिलेटेड, और तीनों ही न्यूज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडीबी ने लोन दिया है आईआईएफसीएल को। भारत सरकार और एडीबी के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो आईआईएफसीएल है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, जो वो लोन प्रोवाइड करती है, उसके लोन में प्रोवाइड करने में और अमाउंट एड ऑन किया गया कि इतने तक का इसे और लोन दे दिया जाए, जिससे कि फर्दर वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट रहते हैं इंडिया में उनके लिए क्रेडिट प्रोवाइड कर पाए। सिंपल शब्दों में एडीबी एंड सेंटर हैव साइंड 300 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट लैंडिंग बाय इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। एशियाई विकास बैंक ने और केंद्र ने भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण देने में सहायता के लिए 300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मेरे काम की चीज यहां से दो बनेंगी, किस बैंक ने समझौता किया,
याद रखिएगा एडीबी, किस बैंक ने समझौता किया, एडीबी, कितने अमाउंट का समझौता किया, 300 मिलियन का, कंपनी नहीं याद रखनी, वो तो सिंपल शब्दों में मिलेगा आपको ऑप्शन में, दो मिलेंगे यहां पर, किस बैंक के साथ समझौता हुआ वो है एडीबी, और दूसरा कितने अमाउंट का समझौता हुआ वो रहेगा 300 मिलियन, तो 300 मिलियन 400 मिलियन ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको टिक करके आना पड़ेगा 300 मिलियन एडीबी रिलेटेड फैक्ट। फिर आते हैं दो और न्यूज है एडीबी रिलेटेड ही, टेक्निकली प्लीज स्क्रीन को जूम किया जाए। एडीबी की बात करें जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, फॉर्मेशन ईयर इज 19th दिसंबर 1966। फॉर्मेशन ईयर की बात करें 1966 से, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इज इन मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड प्रेसिडेंट इज ताकेहिको नकाओ जो कि 9वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और ये जापान से हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें सो वन ओनली 67 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। आई होप सो गाइज यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी हैव साइंड 169 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन तमिलनाडु। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने तमिलनाडु में जल और स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने के लिए 169 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यहां से आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि सर पहली बात तो कौन सा बैंक लोन दे रहा है, तो वो रहा एडीबी। कितने अमाउंट का लोन दे रहा है, वो रहा 169 मिलियन का। और तीसरी बात करते हैं कि सर ये किस स्टेट के लिए दिया जा रहा है, तीसरी बात है तमिलनाडु। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी इस तरीके की न्यूज आती है तो उसे बायफर्केट कर लीजिए। कौन सा बैंक लोन दे रहा है, वो रहा एडीबी। कितने अमाउंट का लोन दे रहा है, 169 मिलियन डॉलर का ये लोन देगा, इस बात को याद रखिएगा। एंड अपार्ट टेक्निकल टीम जूम कर दीजिए। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये किस स्टेट के लिए दे रहा है, तमिलनाडु के लिए, और उसका पर्पस क्या रहेगा, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, जब आप स्टेटमेंट में याद करते कभी भी चीजें याद नहीं रहती, ऐसे याद रखना स्टार्ट करिए। एडीबी लोन देगा 169 मिलियन का तमिलनाडु को वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज के लिए। आई होप सो सिंपल शब्दों में ये भी आपके क्लियर होगा। एक और न्यूज है रिलेटेड टू द लोन ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी हैव साइंड 105 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन इन हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में पन बिजली पारेषण, मतलब इसे बोलेंगे हम इंग्लिश में हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन, उसके समर्थन के लिए 150 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब दोबारा बायफर्केट करिए जरा इसे। बायफर्केट कैसे, मतलब कि कौन सा बैंक लोन दे रहा है, एडीबी लोन दे रहा है। कितने अमाउंट का लोन दे रहा है, तो वो याद रखना है, हमें जरा फाइंड आउट करें। ओके, 105 मिलियन डॉलर का ये लोन दे रहा है। किस स्टेट को लोन दे रहा है, वो है हिमाचल प्रदेश, और उसका पर्पस क्या रहेगा, पर्पस रहेगा हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन। हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन के लिए लोन दे रहा है। भाई समझ में आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही करिएगा। मैं खुद इसे अप्लाई करता हूं, मुझे याद रहता है। अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट में पढ़ना है तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा ना। न्यूज़पेपर में से फिर हमें नोट्स बनाने की जरूरत क्या पड़ती है। नोट्स बनाने का मतलब ही यह है कि अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना। तो इसे एडजस्ट करिए भाई। एडीबी 150 मिलियन, एचपी मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन के लिए। दूसरा भी हमने इससे पहले देखा, एडीबी 169 मिलियन तमिलनाडु के लिए वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज के लिए। इससे पहले हमने एक और देखा था कि एडीबी जो लोन दे रहा है वो दे रहा है भैया 300 मिलियन का। एडीबी लोन दे रहा है यहां पर 300 मिलियन डॉलर का, और 300 मिलियन डॉलर का जो लोन दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है, IIFCL। इसके इस फैक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को, जिससे कि वो आगे लैंडिंग कर पाए, इसके लिए एडीबी 300 मिलियन का क्रेडिट दे रहा है। आई होप सो गाइज यहां तक ये जितनी भी तीन न्यूज मैंने एडीबी रिलेटेड डिस्कस किए हैं आपके क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर यहां तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। कर्नाटका बैंक हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल ब्रांच इन द कंट्री इन बेंगलुरु। कर्नाटक बैंक ने देश में अपनी पहली डिजिटल शाखा बेंगलुरु में खोली है। अब सवाल यहां से ये बनेगा, किस बैंक ने, देखिए बेंगलुरु रहेगा तो अक्सर हम बेंगलुरु की वजह से कर्नाटका टिक करके आ सकते हैं। अभी तो यहां पर कोइंसिडेंस है कि भाई कर्नाटका बेंगलुरु सिंपल है, क्या पता एसबीआई हो, क्या पता कोई और यूको बैंक हो, कोई पता देना, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं, देना बैंक हो। तो हमें याद रखना है कि तुक्का भी जरा सोच समझ के ही लगाया जाए।
सिंपल शब्दों में कर्नाटका बैंक डैश करके याद रखिएगा फर्स्ट एवर डिजिटल ब्रांच और कहां पर, बेंगलुरु में। सिंपल शब्दों में याद रखना है क्या, कर्नाटका बैंक है, कर्नाटका बैंक ने क्या ओपन किया है, अपनी फर्स्ट डिजिटल ब्रांच ओपन की है, कहां पर की है, बेंगलुरु में। किसी भी बैंक का नाम आता है तो दो बातें इंपॉर्टेंट बनती है, दो बातें कौन सी, एक उसका हेडक्वार्टर, दूसरी उसकी टैगलाइन, ये मोस्ट रिलेवेंट है, हेडक्वार्टर एंड टैगलाइन। आते जरा देख लेते डिटेल में इसी के रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट, जरा टेक्निकल नेम प्लीज स्क्रीन जूम की जाए। कर्नाटका बैंक की बात करते हैं तो उसने अपनी फर्स्ट डिजिटल ब्रांच ओपन की है नेत्तकल्लप्पा सर्कल में, बेंगलुरु में। मेरे काम की चीज सिर्फ बेंगलुरु बनेगी और कुछ नहीं। विच ऑल्सो हैपन टू बी 821st, मतलब कि 821वीं ब्रांच है ये बैंक की। छोड़िए इन बातों को, अब यहां से कर्नाटका बैंक इफेक्ट, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, 1924 वाज अ फाउंडेशन, इज अ फाउंडेशन ईयर ऑफ द कर्नाटका बैंक, हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटका, मैंगलुरु कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका, बस यही दो दिक्कत दे जाते हैं, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, मैंगलुरु बेंगलुरु, मैंगलुरु बेंगलुरु, बट यहाँ पे याद रखिएगा मैंगलुरु कर्नाटका इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द कर्नाटका बैंक। एमडी एंड सीईओ की बात करें, एम एस महाबलेश्वरा इज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक, एंड टैगलाइन इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इज अ टैगलाइन ऑफ द कर्नाटका बैंक। रट लीजिएगा, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इज अ टैगलाइन, योर फैमिली बैंक एंड अक्रॉस इंडिया इज अ टैगलाइन ऑफ कर्नाटका बैंक, एंड एमडी एंड सीईओ एम एस महाबलेश्वरा, एंड हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटका, एंड फाउंडेशन ईयर इज 1924। आई होप सो ये न्यूज भी क्लियर होगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9th सेशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इसे इन शॉर्ट हम बोलेंगे IKIGC, व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत किर्गिस्तान अंतर सरकारी आयोग का 9वां अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब मेरे काम की चीज यहां से दो बनती है, एक तो इंपॉर्टेंट है यहां पर वेन्यू न्यू दिल्ली, और दूसरा यहां पर एडिशन कौन सा रहा है, तो वो हमें याद रखना है, 9th सेशन रहा। अब 10th सेशन कहां होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, 9th तो नई दिल्ली है, अब 10th कहां है वो देख लेते हैं, इसके अलावा किर्गिस्तान रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी बातें। तो यहां पर टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन ओके। अब देखिए यहां से काम की चीज ये वाला पढ़ लीजिएगा, इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था भाई सुरेश प्रभु ने, बेसिकली मतलब कि इंडिया की तरफ से हेड कौन था, सुरेश प्रभु थे। सुरेश प्रभु जी की बात करें तो वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देख रहे हैं, ये वाली बात इंपॉर्टेंट बनती है। उसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और ये राज्यसभा MP है आंध्र प्रदेश से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा MP कहां से, ये आंध्र प्रदेश से, इस बात को याद रखना। अपार्ट फ्रॉम देखिएगा यहां पर एक चीज मेंशन है, 10th मीटिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा था, जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो है 9th मीटिंग, और जो अब मीटिंग हो रही है वो हमारी, जो मतलब अभी मीटिंग चल रही है वो हुई है, वो 9th मीटिंग है, और जो 10th सेशन रहेगा देखिए कहां पर होगा, बिश्केक किर्गिस्तान में। ये अक्सर बहुत जल्दबाजी में अक्सर गलत होता है कि सर हम GA में अटेम्प्ट करके आए थे, 35 नंबर रह गए हमारे 25 के आसपास, और हमें सारे क्वेश्चन आते थे। बेटा मेरे भाई मेरे दोस्त जरा समझना बात को, कि हम 9th पढ़कर गए थे एग्जाम में, 10th आ गया, ऑप्शन में नई दिल्ली भी था, ऑप्शन में यहां पर बिश्केक भी था, और हम जल्दबाजी में 9th पर फोकस ना कि हमने सर जल्दबाजी में ये फोकस किया कि इस मीटिंग का नाम क्या है, मीटिंग का नाम था सिर्फ ये वाला, इंडिया किर्गिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो मीटिंग हुई है, ट्रेड पर, इकोनॉमिक पर, साइंटिफिक पर, टेक्नोलॉजिकल पर, कहां पर हुई है, वो सीधे नई दिल्ली आप टिक करके आ गए। बट याद रखना 9th हुआ है नई दिल्ली में, जो 10th होगा वो किर्गिस्तान के बिश्केक में होगा, याद रखने वाली बात है भाई। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, करेंसी सोम है, एंड प्रेसिडेंट की बात करें तो सुरुनबे जीनबेकोव, सुरुनबे जीनबेकोव इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द किर्गिस्तान। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड 4th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन जेरेंटोलॉजी एंड जेरिट्रिक मेडिसिन एट न्यू दिल्ली। जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जरा विज्ञान बेसिकली मतलब होता है कि जो ओल्ड एज के बारे में स्टडी की जाती है, कि जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी जो डिजीज होती है उनके बारे में भी जो स्टडी करना, या बेसिकली जेरोंट मतलब ही होता है ओल्ड एज, और जहां लॉजी लग जाता है, इंग्लिश में आप अक्सर पढ़ते होंगे जितने में लॉजी लग जाता है उसका मतलब हो जाता है स्टडी करना, जेरोंट मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज के बारे में स्टडी करना, या ओल्ड एज में जितने लोगों होते हैं उनको जो डिजीज वगैरह उनके बारे में स्टडी करना ही जेरोंटोलॉजी कहलाता है। इसी को लेकर जो एक कह सकते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस रही है वो नई दिल्ली में रही है। टेक्निकल टीम जरा एक बार जूम कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जरा विज्ञान और बुजुर्गों की औषधि पर 4th अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। अब मेरे काम की चीज यहां से यह बनती है कि किसने उद्घाटन किया और कहां उद्घाटन किया है। जितेंद्र सिंह ने किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ डोनर है, ध्यान से सुनिएगा, मिनिस्टर ऑफ डोनर, मिनिस्टर ऑफ डोनर मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। जितेंद्र सिंह इज मिनिस्टर ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इज अ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तीसरी बात, जो ये 4th इंटरनेशनल कांग्रेस हुई है ये कहां पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है।
इसका कौन सा एडिशन रहा है, ये फोर्थ रहा है, इनॉग्रेट किसने किया, तो जितेंद्र सिंह ने किया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बनेंगी। इसके मैंने ज्यादा डिटेल नहीं दी है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। आई होप सो यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर है तो प्लीज ओके। अभी तक ये नहीं आया कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। सर इसको हम क्यों पढ़े, अभी तो हम बुजुर्ग नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप हमेशा जवान बने रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में अगर आ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज पढ़कर जाइएगा। मैं चाहता हूं आप हमेशा जवान बने रहे, आप हमेशा बच्चे बने रहे, बट भाई प्लीज 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 एग्जाम के लिए याद कर लेना। गुस्सा मत हो जाना कि सर हम ओल्ड एज नहीं, हम क्यों याद करेंगे, ऐसी बातें मत करना। अभी मैं बच्चों वाली पढ़ा दूंगा, तीन चार साल वाली न्यूज, तो फिर आप कहोगे सर ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे, हम बच्चे नहीं, हम अब बड़े हो गए। तो इन सारी बातों को याद रखना। ओके, उधमपुर आ चुका है। उधमपुर जम्मू कश्मीर इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द जितेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया, उधमपुर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाई जितेंद्र सिंह की। अब चलिए बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड एट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय और राज्य स्तरीय सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन का 26वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हुआ है। अब मेरे काम की चीज यहां से दो बनती हैं, एक एडिशन और दूसरी बात करते हैं कहां पर हुई है। 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जो केंद्रीय और कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर जितनी भी सांख्यिकी संगठन है उनके बीच में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो वेन्यू रहा है वो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला रहा है, और इसकी जो कॉन्फ्रेंस रही थी ये 26th रही है। अपार्ट फ्रॉम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज भी रही है, उसको भी डिटेल में यहां पर देखेंगे। वही पहले मैं बता देता हूं, डीवी सदानंद गौड़ा की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है उसको जो लीड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, डीवी सदानंद गौड़ा मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। अनंत कुमार जी का भी देहांत हुआ, उनके बाद इन्हीं को केमिकल और फर्टिलाइजर जो उनके पास मिनिस्ट्री थी एडिशनल चार्ज दिया गया, तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भी है, और बैंगलोर नॉर्थ कर्नाटका इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते मुद्दे की बात पर, 26th एडिशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसकी जो कॉन्फ्रेंस रही है इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, और इसके साथ डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स भी दी, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी दी। काट दीजिएगा, काम की चीज नहीं, काम की चीज सिर्फ ये वेन्यू है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। एक बार के लिए मिनिस्ट्री को याद रख लीजिएगा कि मॉस्पी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मॉस्पी की बात करते हैं तो विजय गोयल है, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। एक नंबर का सवाल यहां से बन गया कि किसने इसको इनॉग्रेट किया था, इस कॉन्फ्रेंस को, तो वो है विजय गोयल, जिनके पास मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसके वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर तो ये रहे, इनके अंडर में वर्क कर रहे हैं ये। आई होप सो ये भी क्लियर होगा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा, यस सर सारी बातें हमारे क्लियर होती चल रही है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का स्टेट है अपना बिहार। बिहार के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। 22 मार्च 1912 को स्टैब्लिश हुआ था बिहार। अब यहां से मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, उनको भी आपको वन बाय वन बताना है, जिसे हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। कैपिटल इज पटना, लार्जेस्ट सिटी इज पटना, नीतीश कुमार इज अ चीफ मिनिस्टर, लालजी टंडन इज गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट की बात करें 38 रहे, लोकसभा सीट 40 रही, 40 राज्यसभा 16 है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, बॉर्डर स्टेट बॉर्डर कंट्री। वन बाय वन समझना। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है यहां पर 1912। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी बिहार की, और वैसे ही हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। कैपिटल इज पटना, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल दोनों सेम रही पटना, नीतीश कुमार इज चीफ मिनिस्टर, लालजी टंडन भाई गवर्नर है, रिसेंटली अपॉइंटेड है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहे 38 एंड लोकसभा सीट रही 40, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें वो रही 16, तो डीएलआर नंबर जो बनता है वो बनता है 38 40 16। डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट रहे 38, लोकसभा सीट रही 40 और राज्यसभा सीट रही यहां पर 16। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सिंपल है, बॉर्डर स्टेट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड, अभी मैप से देख लेंगे। एंड बॉर्डर कंट्री की बात करें नेपाल है, नेपाल की बात करें कैपिटल इज काठमांडू, करेंसी इज रूपी। विद्या देवी भंडारी की बात करेंगे, ये प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा बात करें तो केपी ओली खड्गा प्रसाद ओली इज अ चीफ मिनिस्टर नहीं माफ करेगा इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी बिहार। आई होप सो गाइज, आई प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी नेपाल। आई होप सो क्लियर होगा यहां तक सारे पॉइंट। केपी ओली इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी नेपाल, विद्या देवी भंडारी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ दी नेपाल, एंड काठमांडू इज अ कैपिटल, करेंसी इज रूपी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसी से रिलेटेड फैक्ट और मैप चलिए देख लेते हैं। बिहार का जरा लोकेशन देखिए, खुद ही आप फाइंड आउट करिए कौन कौन से स्टेट है। बिहार के टॉप पर जाइए, दिख रहा होगा आपको यहां पर कंट्री की बात हो रही है, नेपाल, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। स्टेट को क्लॉकवाइज चल लीजिए, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन फिर हम आएंगे यहां पर देखिए झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कौन कौन से स्टेट रहे, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तीन स्टेट है। नंबर ऑफ स्टेट याद रखने 3 रहे, और कौन कौन से स्टेट रहे वो क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आज ही मैंने डिस्कस किया है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गिगेंटिक डॉल्फिन, राजगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर लेक वर्ल्ड सेंचुरी, ये सभी के सभी आपकी कहां लोकेटेड? बिहार में। ऐसे मत याद करिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क एक लाइन में याद रखिए, अब भीमबंद, कैमूर, विक्रमशिला, राजगीर और कन्वर, सिर्फ एक लाइन में ऐसे याद रखना है कि भीमबंद, कैमूर, विक्रमशिला, राजगीर और कन्वर ऑल आर लोकेटेड इन दी बिहार। एंड महाबोधि टेम्पल की बात करें, ये भी आपका बिहार राज्य में स्थित है, ये भी आपका कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में। यहां तक क्लियर है? आई होप सो सभी बच्चों को, जरा भैया क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा, यस सर हमारे यहां तक सारी बातें क्लियर होती चल रही है। और कोई डाउट है आप उसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है आपको तो उसे भी पेस्ट कर सकते हैं यहां पर कि हाँ सर ये डाउट है पर्टिकुलर, ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही, मैं फिर दोबारा से यहां पर क्लियर कर दूंगा अगर कोई भी डाउट है। हम बढ़ते यहां पर कि नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा देखिए ऊपर लेजिस्लेचर बाय कैमरल की बात करें, मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो स्टेट डिस्कस किया था वहां पर यूनिकैमरल था, और जब कभी भी स्टेट की बात होती है तो ये हमेशा ये होता है कि विधानमंडल में कि क्या है, क्या विधानमंडल में बाय कैमरल है कि यूनिकैमरल है, क्या विधान परिषद और विधानसभा दोनों है या विधानसभा ही है। विधानसभा की बात करते हैं यहां पर, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसकी 243 सीट है, और जिसे लेजिस्लेचर काउंसिल के नाम से जानते हैं विधान परिषद को, उसमें 75 सीट है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हाँ डेफिनेटली ये लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, कि इस बैंक लेवल पर नहीं एसएससी रेलवे में पूछा जाएगा कि अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है तो 243 है, एंड विधान परिषद की कितनी सीट है 75 है, या यूके लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट है 243 है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें उसकी 75 सीट है। आई होप सो गाइज यहां तक सारी बातें आपके क्लियर होंगी, अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा यस सर क्लियर होता चल रहा है, और कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब चलिए बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के स्टैटिक क्वेश्चंस, हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सिक्किम हाई कोर्ट? सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता ही दिया है, अमरेश्वर पाठक यहां पर पटना हाई कोर्ट के बने, तो वहां पर हम चेंज कर देंगे आपको, अमरेश्वर पाठक की बात करेंगे, ही इज अ चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट। अब चलिए सवाल की बात करें, जो सवाल आ चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ द सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन? रमेश रंगनाथन, विजय कुमार विष्ट या देवाशीष कर गुप्ता, अज्जी कुट्टीरा, सोमैया बोपन्ना या नरेश हरिश्चंद्र पाटिल, पांचों ही कहीं ना कहीं के चीफ जस्टिस बने थे हाई कोर्ट के, इसमें से सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अरे सर आप मुस्कुराए दोस्त, मैं मुस्कुराए, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है, सेशन थोड़ा लेट हुआ इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी यहां पर खत्म हो, और मतलब कि क्वालिटी तरीके से बस एक्सप्लेन हो पाए, ये ना हो कि इधर उधर की बातों में समय निकल जाए। ओके वोपन्ना के साथ जा रहे हैं यहां पर, वोपन्ना वीके विस्ट के साथ भी मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहे हैं कि वीके विस्ट। ओके देख लेते हैं, राइट आंसर इज विजय कुमार विस्ट इज अ चीफ जस्टिस ऑफ द सिक्किम हाईकोर्ट। अगला सवाल जरा ध्यान से समझिएगा, ओके आंसर है यहां पर मेंशन, भाई खुश हो जाइए, यहां पर सारी टेबल मेंशन है, रमेश रंगनाथन उत्तराखंड हाईकोर्ट के हैं, विजय कुमार विस्ट सिक्किम हाईकोर्ट के हैं, देवाशीष कर गुप्ता कलकत्ता हाईकोर्ट, अज्जी कुट्टीरा सोमैया बोपन्ना गुवाहाटी हाईकोर्ट, नरेश हरिश्चंद्र पाटिल बॉम्बे हाईकोर्ट। खुशियां हो गई है ना अब तो चेहरे पर, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, आप भी मुस्कुरा रहे होंगे, अरे क्या बात है भैया, मजा आ गया कि पांचों के ऑप्शन के आंसर मिल गए। रमेश रंगनाथन कौन से रहे? उत्तराखंड हाईकोर्ट के। विजय कुमार विस्ट की बात करते हैं तो वो बने भाई सिक्किम हाईकोर्ट के, देवाशीष कर गुप्ता भाई अपने रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के, एंड अज्जी कुट्टीरा सोमैया बोपन्ना गुवाहाटी हाईकोर्ट, एंड नरेश हरिश्चंद्र पाटिल की बात करते हैं तो ही हैज बीन अपॉइंटेड बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। अब चलिए बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? अब देखिए समझते हैं यहां पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 5 जो मेंशन है यहां पर, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी राजस्थान। खुशी का ठिकाना नहीं, कमेंट बॉक्स में बस चहल करमी चल गई कि हाँ चलिए सर क्या बात है, मजा आ गया। अब इसी का भी बॉक्स मेथड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इराविकुलम इज इन केरला। किस्तवाड़ की बात करें, किस्तवाड़ का दाचीगम ये सभी आपके जम्मू कश्मीर में है, एंड काजीरंगा, मानस, नामेरी ये सभी आपके असम में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सरिस्का की बात करेंगे ये राजस्थान राज्य में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है नेशनल पार्क। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के, वनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जगदीश मुखी असम के, तथागत रॉय क्या मेघालय के हैं, या लालजी टंडन भाई बिहार के हैं? बिहार के ये तो बता देंगे, या तथागत रॉय सिक्किम के, कहां के हैं जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देके बताइए। हु इज अ गवर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है?
आंसर की बात यहां पर करेंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वीडी मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट की, भाई ये बाकी के कहां पर है वो देख लेते हैं। टेक्निकल टीम प्लीज जरा स्क्रीन जूम कर दीजिए। वीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश, बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु, जगदीश मुखी असम, तथागत रॉय मेघालय एंड लालजी टंडन बिहार के। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की लिस्ट प्रोवाइड कर चुका हूं। पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया मैंने गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की। जहां पर आपका स्टडी है, जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं, वहीं पर सामने वॉल पर एक काम करिए, पेस्ट कर लीजिए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की लिस्ट। मैंने भी जहां सिटिंग है वहां पर यही पेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो मैंने एक और लिस्ट आपको प्रोवाइड की नेशनल पार्क की, एक और जगह पेस्ट कर लीजिए। जितनी बार सुबह देखेंगे ना उतना बेहतर रहेगा। वही है ना कि सुबह सुबह उठ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप भैया देखते ही हो, तो जो चीज़ आप सबसे पहले देखते हो ना वो पूरे दिन आपके ध्यान में रहती है। तो वही उसी चीज़ को देखते रहिए, मतलब कि सामने बैठ जाइए सुबह उठकर एक बार इसका चीफ मिनिस्टर गवर्नर की लिस्ट को रिवाइज कर लीजिए, एक बार नेशनल पार्क को रिवाइज कर लीजिए। डेफिनेटली हमेशा याद रहेगी। ये मैं भी करता हूं, एक बार आप भी करके देखिए। आई होप सो आप भी करेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड वाटर डे, कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा हरी अब गाइस बता दीजिए, कौन सा दिन विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाह मेरे अंकित मिश्रा भाई, कहां रह रहे हो यार, कौन से गोले पे रह रहे हो, कब दिया सर? ऐसा ना बोलो यार कि कब दिया। दो लिस्ट प्रोवाइड कर चुका हूं, एक दो करंट अफेयर के पीछे जाइए, उन्हीं के देखिए लिंक के नीचे लिंक जो करंट अफेयर की मिलती है वहीं पर एक और लिंक मेंशन होगी आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की, वहीं पर आपको एक और लिस्ट मेंशन होगी नेशनल पार्क की लिस्ट। तो भाई ऐसा ना बोलो कि सर कब दिया, हाँ नहीं तो चुभता है यार, ऐसा ना बोला करो। आंसर की बात करें, आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। अपार्ट फ्रॉम किस दिन कौन सा ऑब्जर्व होता है उसको देखेंगे, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून एंड वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। रट लीजिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 ऑफ मार्च। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गैबॉन, गैबॉन की राजधानी क्या है। नाइजीरिया की सॉरी कायरो की बात करें तो कायरो इज द कैपिटल ऑफ, ओके कायरो आप बताइए किसकी कैपिटल, मेरे से भी इसके पूरा है क्योंकि अस्मारा है एरिट्रिया, एरिट्रिया अस्मारा नकफा, इथोपिया एडिस अबाबा बिर एंड माली बमाको फ्रेंक, ये तो क्लियर हो गया। लिब्रेविले इज द कैपिटल ऑफ द गैबॉन, ये क्लियर हो गया। बट कायरो किसकी है, कायरो किसकी है, कायरो 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 इज द कैपिटल ऑफ, चलिए एक बार बॉक्स मेथड से देख लेते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लिब्रेविले इज द कैपिटल ऑफ द गैबॉन। बट अपार्ट फ्रॉम एक बार बॉक्स मेथड से देखेंगे, इजिप्ट की कैपिटल, ओके इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी इज पाउंड, एरिट्रिया अस्मारा नकफा, इथोपिया एडिस अबाबा बिर एंड गैबॉन लिब्रेविले फ्रैंक एंड माली बमाको यहां पर बात करें फ्रैंक। आई होप सो गाइज यहां तक सारी बातें अगर क्लियर हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख चलेगा, यस सर हमारे सारे क्लियर होता चल रहा है। अगर कोई डाउट है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, हाँ ये पर्टिकुलर डाउट है, बट इसके अलावा अगर कोई डाउट नहीं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हाँ सर यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है। इजिप्ट कायरो पाउंड, एरिट्रिया स्मारक नकपा, इथोपिया एडिस अबाबा बिन एंड गैबॉन लिब्रेविले, गैबॉन की बात करेंगे लिब्रेविले। एक बार मैं गैबॉन की जरा करेंसी और चेक कर लेता हूँ, ओके करेंसी यहां पर आपकी फ्रैंक है, लेबॉन की कैपिटल लिब्रेविले है, करेंसी यहां पर फ्रैंक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल टीम प्लीज जरा स्क्रीन को जूम कर दीजिए। Where is the headquarter of the World Customs Organization? World Customs Organization का headquarter क्या है? Brussels, Belgium, Vienna, Austria, Jakarta, Indonesia, Rome, Italy या Paris, France? Where is the headquarter of the World Customs Organization? World Customs Organization का headquarter कहां पर है? आंसर की बात करें, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ब्रूसेल बेल्जियम इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रूसेल बेल्जियम है। कल ही मैंने इसके स्टडी फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, फिर दोबारा से समझ लीजिए। फाउंडेशन ईयर 26 जनवरी 1952, रट लीजिएगा 26 जनवरी 1952, हेडक्वार्टर ब्रूसेल बेल्जियम, कुनियो मिकुरिया इज अ सेक्रेटरी जनरल एंड टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें 182 देश इसके सदस्य, 182 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के सेशन बेस्ड सवाल, पंकज अडवाणी ने IBSF बिलियर्ड्स टाइटल जीता है 150 अप फॉर्मेट में और वो किस कंट्री से हैं? पंकज अडवाणी ने 150 अप प्रारूप में IBSF बिलियर्ड का खिताब जीता है और वो किस कंट्री से हैं? अरे अब गाइस फटाफट बताइए वो किस कंट्री से हैं? माफ करिएगा किस कंट्री से, आज पता नहीं दिमाग कहां चल रहा है, वो किस स्टेट से हैं? माफ करिएगा किस कंट्री से नहीं, किस स्टेट से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला या राजस्थान? आंसर की बात करेंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ही इज फ्रॉम द महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र राज्य से हैं। अगला सवाल, नीति आयोग ने हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल को बनाया है, उसको सेटअप किया, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसके चेयरमैन कौन है? नीति आयोग ने हिमालय क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया है और इस परिषद के अध्यक्ष कौन है, इस परिषद का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, वी के सारस्वत या अजय त्यागी?
राजीव कुमार वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नरेंद्र मोदी जी इज अ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वीके सारस्वत की बात करें इज अ हेड ऑफ द हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल, एंड अजय त्यागी की बात करें इज अ चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है उसी की बात करेंगे, उसके चेयरमैन है अजय त्यागी, जो ऑप्शन नंबर 5 यहां पर मेंशन है। अगला सवाल, हु हैज इनॉग्रेटेड मैसर्स पैथन मेगा फूड पार्क इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, आंसर बनेगा भैया हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, बठिंडा पंजाब जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मैसर्स पैथन मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। अगला सवाल, किस शहर में जितेंद्र सिंह ने जेरेंटोलॉजी और जेरिट्रिक मेडिसिन को लेकर इंटरनेशनल कांग्रेस का इनॉग्रेशन किया है, तो वो आंसर बनता है न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड 4th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन जेरेंटोलॉजी एंड जेरिट्रिक मेडिसिन, आई होप सो क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडीबी आईआईएफसीएल को कितना लोन दे रहा है, एडीबी ने भारत सरकार के साथ आईआईएफसीएल को लोन देने के लिए कितने का समझौता किया, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 300 मिलियन का। अगला सवाल, यहां पर समझना जरा ध्यान से, इंडिया किर्गिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो ट्रेड इकोनॉमिक और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन की मीटिंग रही है नई दिल्ली में, उसका वो कौन सा एडिशन रहा है, आंसर की बात करें, आंसर जो आ रहा है 9th एडिशन, 10th कहां पर होने वाला है, बिश्केक किर्गिस्तान में होगा, इस बात को भी याद रखना। अगला सवाल, ध्यान से, कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड एट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, उसका कौन सा एडिशन हुआ, 29th, 24th, 27th, 26th या 25th, इसका मैं आंसर चाहूंगा, कौन सा एडिशन रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहा, कौन सा एडिशन यहां पर रहा है, अभी तक स्टिल आंसर नहीं आया। 4th के साथ जा रहे हैं, 26 के साथ जा रहे हैं, ओके 26, द राइट आंसर इज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 4, 26 एडिशन रहा। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने कितने अमाउंट का यहां पर ऋण समझौता किया है वाटर सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तमिलनाडु में, तो वो आंसर बनेगा 169 मिलियन का, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सिर्फ सिंपल शब्दों में एडीबी 169 मिलियन, तमिलनाडु और वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडीबी के साथ 150 मिलियन का एक ऋण समझौता किया है हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन में सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन, वो स्पेशली किस स्टेट के लिए समझौता हुआ है, केरल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु, तो सिंपल शब्दों में यहां पर राइट आंसर बनेगा अपना हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, किस बैंक ने फर्स्ट एवर डिजिटल ब्रांच ओपन की है बेंगलुरु में, तो वो आंसर बनता है कर्नाटका बैंक हैज ओपन इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल ब्रांच इन अ कंट्री इन बेंगलुरु। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ताइवान एसएमई डेवलपमेंट फोरम की अभी जो मीटिंग रही है, जो मंच रहा है बेसिकली, कहां पर हुआ, ताइपी, नई दिल्ली, बीजिंग, मुंबई या देहरादून, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ताइपी ताइवान वॉज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ताइवान एसएमई डेवलपमेंट फोरम। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉन हेस्टिंग हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, जॉन हेस्टिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, और वो किस कंट्री से हैं या वो किस देश से हैं, तो आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे जिन्हें हम मिस्ट्री बॉलर के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वो अब क्रिकेट के नहीं खेलेंगे, अब वो क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास लेंगे, क्योंकि स्पेशली उन्हें एक लंग्स को लेकर डिजीज है, लंग्स रिलेटेड कोई डिजीज है उनको, इस वजह से उन्होंने यहां पर अनाउंसमेंट करने की कही है। चलिए बढ़ते हैं, यहीं पर सेशन को एंड अप करेंगे, और इससे पहले आज हमारी मैराथन क्लास स्टार्ट होंगी 9 बजे अपना इंग्लिश का सेशन रहेगा, स्पेशली फोकस ऑन आईबीपीएस पीओ, फिर 10 बजे की बात करें अपनी मैथ्स की क्लास, 11 बजे अपना रीजनिंग, फिर 12 बजे मैं फिर दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, जो कि डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम बात करें तो इसके अलावा एग्जाम रिव्यू आपको संडे को लगा हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे एसएससी को, रेलवे के हों, गाइस प्लीज सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो हो सकता है रिपीट हो जाए, मैं इस बात को हमेशा एम्फसाइज करता हूं, तो प्लीज सेशन को देखिए जिससे कि पता चले एग्जैक्टली इस बैंक एग्जाम में पैटर्न कैसा रहता है, और क्या पता यहां से कुछ चंद सवाल हमारे एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट बन जाए और आ जाए। और इसके अलावा भाई मैं चाहूंगा आज 12 बजे आप सभी लोग आए, कितने लोग आने वाले हैं जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, यस सर हम लोग आएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, एंड एडिटोरियल का सेशन है आपका चंद ही मिनटों में वो शुरू होगा, तो प्लीज उससे भी जुड़ना ना भूलें, सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।